हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं आरएसआई के बारे में, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में। बेसिकली कई सारे लोग यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में यहाँ पर जानते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स आपको बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप मार्केट का एनालाइज यहाँ पे कर सकते हो, और इसके थ्रू आप चाहो तो फ्यूचर ट्रेडिंग, स्पॉट ट्रेडिंग भी यहाँ पे कर सकते हो। फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में यहाँ पे हम बात करें तो फ्यूचर ट्रेडिंग जैसा कि थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन अगर आप सही से मनी मैनेजमेंट करके आप फ्यूचर ट्रेड करती हो तो काफ़ी ज़्यादा चांस बनेगा कि आप इसमें प्रॉफिट कर सको। तो मेक श्योर कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम की लिंक है जहाँ पे आप ज्वाइन करके मार्केट के जो अपडेट है, जो कॉल्स है, वो यहाँ पर आप फ्री में यहाँ पर ले सकते हो, जहाँ पे कई सारे सिग्नल्स कॉल्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। तो नीचे आप यहां पर देख सकते हो एक RSI की आपको यहां पर लाइन देखने को मिलेगी, जिसे ओसिलेटर भी यहां पे बोला जाता है। अब इस RSI को यहां पर लाने के लिए सिंपल, सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू पे आपको चार्ट को ओपन करनी है, जिसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना रखा है, जिसे आप यहां पर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। अब यहां पे क्लिक कर ट्रेडिंग व्यू को ओपन करने के बाद यहां पर अपने सिलेक्टेड करेंसी को यहां पर चूज कर सकते हो, जो करेंसी आपको पसंद है, जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हो। यहां पर क्लिक करके आप इसके टाइम को यहां पर सेट कर सकते हो, कितने टाइम मिनट्स में, कितने टाइम फ्रेम में आपको RSI या फिर अदर आपको इंडिकेटर को यूज करना है। इसके बाद इंडिकेटर के इस ऑप्शन पे आपको RSI यहाँ पर सर्च करनी है, जैसा कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर सर्च कर रखा हूँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सेट कर रखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये RSI हमारे यहाँ पर शो हो रही है। अब बेसिकली RSI का काम क्या है, तो ये अगर हम यहाँ पर समझे तो ये बेसिकली लेवल को बताती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो एक एरो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो ये एरो को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डीप कर दिया है, रेड कलर पे कर दिया है। आप RSI की इस सेटिंग पे जाके अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हो। अब बेसिकली ये एरो क्या बताती है, तो ये 70 से लेकर 30 तक का लेवल के अंडर पे मैंने ये एरो यहाँ पे डाला है। ऊपर का जो ये लेवल है ये 70 का लेवल है, और उसके बाद जो थोड़ा सा ऊपर जाती है वो 100 का लेवल है। इसके बाद नीचे जो लेवल है वो 30 की लेवल है, और उसके बाद थोड़ा सा जो नीचे जाती है वो वहाँ पर 10 का लेवल या फिर 0 का लेवल आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब यहाँ से मार्केट में ये एनालाइज किया जाता है कि जब भी मार्केट यहाँ पर 70 के लेवल को टच करती है या फिर उससे ऊपर के लेवल को यहाँ पर टच करती है, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांस बनता है कि जो मार्केट है, जो बिटकॉइन है, वो एक ओवर बाउट की सिचुएशन पे चला जा चुका होता है, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनते हैं कि मार्केट यहाँ से डाउन आ जाए। इसके बाद अगर यहाँ पे मार्केट 30 के लेवल को टच करती है या फिर इसे पार करते हुए 10 के लेवल या 0 के लेवल को यहाँ पे टच करती है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चांस बनता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल यहाँ पे दे सके। जैसा कि आप यहाँ पर आप देख सकते हो, जस्ट कि यहाँ पे मैंने लूना यूनिवर्सिटी का चार्ट ओपन किया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे इस 30 के लेवल को यहाँ पर टच करती है तो मार्केट यहाँ से ऊपर अच्छा खासा यहाँ में देखने को मिलता है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो जब मार्केट यहाँ पे इस एरिया को टच करती है, जो कि होती है 70 के लेवल को, तो मार्केट यहाँ से हमें डाउन थोड़ा सा देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो जब यहाँ पे मार्केट आप देख सकते हो 70 के लेवल को क्रॉस करती है, तो यहाँ से भी मार्केट एक अच्छा खासा हमें डाउन देखने को मिलता है। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के आपको फैक्ट्स देखने को मिलेंगे कि RSI में जब भी ये ऊपर के लेवल को टच करती है तो मार्केट यहाँ से डाउन जाने के चांसेस होते हैं, इसके बाद वो नीचे के लेवल को टच करती है तो वहाँ से पुलबैक का चांस यहाँ पर होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिकेटर कभी भी 100% यहाँ पर नहीं होते, और RSI में कई तरह के सीक्रेट टिप्स हैं। आप सिर्फ इस हिसाब से चलोगे कि मार्केट टॉप को टच की तो यहाँ से डाउन आ जाएगी, तो ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 70 के लेवल को यहाँ पे टच किया, आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं एक यहाँ पे इस लाइन के थ्रू आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यह पर 70 के लेवल को यहाँ पे टच किए, लेकिन यहाँ पे मार्केट की पोजीशन यहाँ पर है, और उसके बाद मार्केट ने काफ़ी बड़ा हाई यहाँ पे बनाया है। तो उस हिसाब से अगर आप सोचोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हमको नुकसान की यहाँ पर चांसेस होंगे, क्योंकि मार्केट एक बार 70 के लेवल को टच करने के बाद फिर से ऊपर हमें देखने को मिलती है, फिर से ऊपर हमें देखने को मिलती है, और मार्केट यहाँ पर हाइयर हाई यहाँ पे बना रही होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट हाइयर हाई बना रही है और ये 70 के लेवल को क्रॉस कर चुकी है, तो इस हिसाब से आपको देखने को मिल सकता है। तो सिर्फ आप ये लॉजिक को लेकर नहीं चल सकते कि 70 के लेवल को टच करेगी तो यहाँ से डाउन आ जाएगी, और 30 के लेवल को टच करेगी तो यहाँ से पंप करेगी।
तो बेसिकली RSI की यूजेस यहाँ तक आपको समझ में आ चुकी होगी, जो कि एक टॉप को बताती है और एक बॉटम को बताती है। लेकिन कभी कभार यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें गलत होती हैं, तो उन चीज़ों को समझने के लिए, उन फैक्ट्स को समझने के लिए यहाँ पर हम RSI के कुछ टिप्स को यूज करेंगे। सबसे पहले टिप्स हम यहाँ पर यूज करते हैं इसके डाइवर्जेंस के बारे में। डाइवर्जेंस बेसिकली ये बताती है कि मार्केट फिलहाल बुली से या फिर एक बेयरी से। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, मार्केट यहां पर हाईअर हाई बना रही है, ये आपको बुलिश डाइवर्जेंस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पे आप देख सकते हो मार्केट यहां पर हाई बनाती है, उसके बाद ऊपर और जाती है, इसके बाद और ऊपर हमें देखने को मिलती है। तो मार्केट कहीं ना कहीं यहां पे हाईअर हाई बना रही होती है। लेकिन अगर आप RSI को यहाँ पर देखोगे तो ये यहाँ पर थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि पहला हाई इसने यहाँ पे बनाया था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और उस टाइम इसकी प्राइस होती है कुछ इस लेवल पे, आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग $60 पे हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पे मार्केट $60 पे जाने के बाद फिर से यहाँ पर हाई बनाती है, और यह हाई होती है लगभग यहाँ पे, और इस हाई की प्राइस होती है लगभग $68 पे। $68 पे जाने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट यहाँ पे हाई नहीं बना रही है, बल्कि एक नीचे की ओर एरिया में ट्रेड कर रही है। आप यहां पर देख सकते हो नीचे के एरिया पे यहां पर ट्रेड कर रही है। अब यहां पर आप देख सकते हो मार्केट ने पहला हाई यहां पे बनाया था, जो कि कुछ इसे यहां पे इंडिकेट करती है। इसके बाद यहां पर हाई बनाया, जो कि ये नीचे की ओर इंडिकेट करती है। इसके बाद यहां पर हाई बनाया, जो कि इसके थोड़ा सा और नीचे इंडिकेट करती है। तो इस पोजिशन पे जब मार्केट यहाँ पे जो कैंडल से वो हाइयर हाई यहाँ पे बना रही होती है, और जो RSI है वो नीचे की ओर यहाँ पे बना रही होती है, तो ऐसे पोजीशन पे यहाँ पे आप बुलिश या बेरिश डाइवर्जेंस आप यहाँ पर समझ सकते हो। अब चूंकि यहाँ पर हायर हाई बना रही है, तो ये क्लियर यहाँ पर समझ में आ रहा है कि यहाँ से मार्केट बेरिश डाइवर्जेंस हो रही है, मतलब मार्केट यहाँ पे गिर सकती है। अब इसके यहाँ पर कन्फर्मेशन के लिए आप यहाँ पर इसके कैंडल्स को यहाँ पर चेक कर सकते हो और वेट कर सकते हो एक बड़े कैंडल का, जो आपको यहाँ पर प्रूव करे कि ये RSI जो यहाँ पर बेरिश डाइवर्जेंस दिखा रही है वो सही है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक रेड कैंडल हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी बड़ी कैंडल है। आप यहाँ पर देख सकते हो जो इवन यहाँ तक में अभी एक भी हमें इतनी बड़ी कैंडल हमें देखने को नहीं मिली। तो ये कैंडल्स अब यहाँ पर बता रहे हैं कि अब RSI यहाँ पर बेरिश है, RSI यहाँ से डाउन जा सकती है, मार्केट यहाँ से डाउन जा सकती है। ऐसे पोजिशन पर अब अगर आपने देखा होगा तो काफ़ी बड़ा डाउन हमें यहाँ पर देखने को मिला है। जो प्राइस इसकी चल रही थी $68 की लूना की, वो प्राइस हमें यहाँ पर देखने को मिला $50 पे। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हो बेयरिश डाइवर्जेंस के थ्रू कि मार्केट में आपको क्या देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो और आपको यहाँ पे एक बेयरिश डाइवर्जेंस आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि यहाँ तक में आपने देखा कि मार्केट यहाँ पर RSI जो है वो लोअर लो यहाँ पे बना रही है, बट कैंडल्स यहाँ पर हाईअर हाई बना रही है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो कैंडल्स यहाँ पर हाई बनाने के बाद फिर से एक नया हाई यहाँ पे बनाती है, जो कि बनती है लगभग यहाँ पर $78 की। लेकिन RSI आप यहाँ पे देखोगे तो वो सिंपल अभी भी लोअर पे ही बना रही है, आप यहाँ पर देख सकती हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको एक बड़े कैंडल की यहाँ पर जरूरत है, जो आपको बता सके कि मार्केट डाउन जा रही है। तो यहाँ पर एक बड़ा कैंडल भी रेड बनती है, जो कि बताती है कि अब यहाँ से डाउन हमें देखने को मिल सकता है। ठीक इसके नीचे आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रखकर आप यहाँ पर सेल मार सकते थे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो RSI ने फिर से यहाँ पर डाउन बनाई, और मार्केट भी यहाँ पर अच्छा खासा हमें डाउन देखने को मिला है। जो इसकी प्राइस चल रही थी $78 पे, वो अब हमें यहाँ पर $61 पे देखने को मिला है। तो इसी हिसाब से आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हो, प्रिडिक्शन कर सकते हो कि मार्केट में आपको बेरिश या फिर बेरिश डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रही है। जो यहाँ पर ट्रेंड चल रहे थे हाईअर हाई की, वो अब यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। RSI में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसने 70 के नीचे यहाँ पर एक लो बनाया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं यही आपको यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने एक लो बनाया है। इस लो को बनाने के बाद यहाँ पर जब ये दोबारा यहाँ पर लो बनाती है, आप यहाँ पर देख सकते हो, जब दोबारा यहाँ पर लो हमें देखने को मिलता है, जब कैंडल्स दोबारा यहाँ पर लो बनाती है, तो RSI आप यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पर लो नहीं बना रही, बल्कि ये हाई पे हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक बुलिश डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है, और मार्केट यहाँ पे पंप हो सकती है। अब आप यहाँ पर बाई कर सकते हो थोड़ा सा एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद। ठीक नीचे आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस यहाँ पर वेट कर लगा सकते हो, और उसके बाद आप अपने टारगेट को यहाँ तक सेट कर सकते हो, यहाँ तक सेट कर सकते हो। अब आप देख सकते हो मार्केट काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमें पंप देखने को मिला है, काफ़ी बड़ा पंप हमें देखने को मिला है।
तो इस हिसाब से आपको यहां पर एनालाइज करना है कि बुलिश डाइवर्जेंस क्या है, बेरिश डाइवर्जेंस क्या है। सिर्फ टॉप एंड हाई को आपको चेक नहीं करना है, बल्कि आपको बुलिश एंड बेरिश डाइवर्जेंस को भी यहां पर देखनी है। इसके बाद बेरिश डाइवर्जेंस का एक और एग्जांपल आप यहां पे ले सकते हो बुलिश डाइवर्जेंस का। बेरिश डाइवर्जेंस का हमने देखा है, अब बुलिश डाइवर्जेंस का एक और एग्जांपल आप यहां पे ले सकते हो। अब आप यहां पर देख सकते हो मार्केट यहां पे डाउन गई, आप यहां पर देख सकते हो मार्केट यहां पे हमें डाउन देखने को मिला है, और यहां पे मार्केट आरएसआई ने भी डाउन हमें यहां पर दिखाया है। लेकिन इसके बाद जब फिर से मार्केट यहां पर कैंडल्स इसी और आती है, तब आप यहां पर देख सकते हो आरएसआई जो है वो थोड़ा ऊपर हमें यहां पर दिखता है। तो उस हिसाब से फिर अब आप यहां पर समझ सकते हो कि आरएसआई हमें यहां पर बुलिश डाइवर्जेंस बता रही है। अब आप मार्केट की कंडीशन अगर आप यहां पर देखो तो काफ़ी अच्छा पंप हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो वो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको ये बुलिश एंड बेरिश डाइवर्जेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ मैं आपको बिटकॉइन पर भी ये चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अगर इन चीज़ों को आप समझ पाते तो आपको क्लियर यहाँ पर आइडिया हो चुका होता कि बिटकॉइन का प्राइस में यहाँ पर आपको डंप देखने को मिल सकता है। तो ये वन डे का चार्ट मैंने ओपन किया है बिटकॉइन की। अब आप यहाँ पर देख सकते हो बिटकॉइन यहाँ पर हाईर हाई यहाँ पे बनाती है। पहली हाई इसकी होती है लगभग यहाँ पे $66,000 की। इसके बाद फिर से ये एक हाई बनाती है जो कि बनती है लगभग $69,000 की। लेकिन आरएसआई अगर आप यहाँ पे देखो तो आरएसआई यहाँ पे लोअर लो बना रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो पहला ये यहाँ पर इसकी हाई होती है, उसके बाद इसकी यहाँ पर लो होती है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये आरएसआई जो है वो ऊपर यहाँ पर नहीं जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो कैंडल से उसके हिसाब से आरएसआई यहाँ पे नहीं बढ़ रही है, जो कि क्लियर बता रही है कि मार्केट में आपको बेरिश डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल सकता है। अब जैसा कि कंफर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया कि आपको एक रेड कैंडल का वेट करना है जो कि थोड़ा लंबी हो, थोड़ा बड़ी हो, तो आप इसको यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं, जो कि काफ़ी लंबा कैंडल हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो इसने भी यहाँ पर कन्फर्म किया कि अब आपको बेरिश डाइवर्जेंस देखने को मिल सकता है, और मार्केट अच्छा खासा हमें यहाँ पर डाउन देखने को मिली है। इसके बाद एक और टिप्स को हम यहां पर देख सकते हैं, जिसे आप बोल सकते हो बुलिश कंटिन्यूएशन डाइवर्जेंस, जो कि आप यहां पर देख सकते हो। मैं यहां पर एक चार्ट के थ्रू आपको यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बुलिश कंटिन्यूएशन डाइवर्जेंस को हम तब यूज करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर के ऊपर बना रही है, और हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमें क्या स्टेप लेनी चाहिए, क्या मार्केट अभी भी फिलहाल बुलिश है या नहीं। तो ये आप आरएसआई के पैटर्न से आप यहाँ पर समझ सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये बिटकॉइन का ही चार्ट मैंने ओपन किया है, और ये चार्ट है आपके 26 नवंबर 2020 की। 26 नवंबर 2020 में आप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट हमें डाउन देखने को मिला है, और यहाँ पर इसका सपोर्ट हमें देखने को मिला है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने फिर से यहाँ पर एक सपोर्ट बनाई है। अब यहाँ पर अगर इसके हम कैंडल्स के यहाँ पर हम जो क्लोजिंग हुई है वो अगर हम यहाँ पर देखें, तो ये जो कैंडल से ये इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, मतलब ये जो प्राइस चल रही थी इस प्राइस के ऊपर क्लोजिंग हुई है। लेकिन आरएसआई अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आरएसआई पहली क्लोजिंग यहाँ होती है, और आरएसआई दूसरी जो क्लोजिंग होती है वो यहाँ पर मतलब डाउन पे होती है। सिंपल से स्टेप है कि अगर कैंडल्स के हिसाब से आरएसआई यहाँ पर बिहेव ना करे तो कहीं ना कहीं जो पैटर्न होता है वो हमें या तो कंटिन्यूएशन की या फिर हमें ब्रेकआउट की हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब आप यहां पर देख सकते हो कि मार्केट जो है जो आरएसआई है वो यहां पर डाउन जा रही है, बट जो कैंडल से वो यहां पर ऊपर जा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन पे ये यहां पर बता रही है कि अब एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके कन्फर्मेशन के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की नीड है, कि एक लंबी कैंडल, एक थोड़ा लंबा कैंडल बने जिससे कि आपको प्रूव हो, जिससे कि आप यहाँ पर समझ सकूँ कि मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू पैटर्न यहाँ पर जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक अच्छी कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग होती है, जो कि यहाँ पे प्रूव कर रही है कि यहाँ से मार्केट अप जा सकती है। जो इसके बुलिश कंटिन्यूशन है, जो इसके बुलिश पैटर्न है, वो यहाँ पर लगातार हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो बिटकॉइन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अप जाती है, जो कि यहाँ पर बता रही है कि एक बुलिश डाइवर्जेंस पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ से जो बिटकॉइन है एक बुलिश कंटिन्यू डाइवर्जेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो सेम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब हम यहाँ पर समझेंगे बेरिश कंटिन्यूएशन डाइवर्जेंस को, कि अगर मार्केट बेरिश में तो और भी वो बेरिश हो सकती है या नहीं, इसके बारे में। तो यहाँ पे आरएसआई के थ्रू ये मैंने एक्सएलएम यूसीटी का चार्ट ओपन किया है, और यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आएगी कि आरएसआई के थ्रू कि यहाँ से मार्केट बेरिश हो सकती है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक्सएलएम यहाँ पे थोड़ा सा अप जाती है, इसके बाद लगभग उसी लेवल के ऊपर या थोड़ा सा नीचे ही हमें देखने को मिलता है, थोड़ा सा डाउन ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आरएसआई अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये छोटे पहले यहाँ पर थोड़ा सा डाउन होती है,
उसके बाद यहाँ पर हाई जाती है, मतलब आरएसआई हायर हाई यहाँ पे बना रही है, और जो कैंडल्स है वो यहाँ पर डाउन बना रहे हैं। इस तरह के पैटर्न हमें खास करके डाउन ट्रेड पे ही हमें देखने को मिलते हैं, तो खास करके आप डाउन ट्रेड पे ही आपको सर्च करने की जरूरत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सएलएम में एक डाउन ट्रेड पे हमें देखने को मिलती थी, काफी डाउन हमें देखने को मिला, और फिर हमें आरएसआई का ये पैटर्न हमें देखने को मिला जहाँ कैंडल्स यहाँ पर लोअर लो बना रही है और जो आरएसआई है वो हायर हाई बना रही है। तो इस सिचुएशन पे भी मार्केट यहाँ पर एक वेरियस कंटिन्यूएशन डाइवर्जेंस को यहाँ पर बता रही है कि मार्केट और भी यहाँ पर डाउन आ सकता है, और सेम हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस तरह से आरएसआई के बारे में आप कई सारे टिप्स यहाँ पर देख सकते हो, कई तरह के और भी टिप्स हैं जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर रिवील करूंगा। तो इस तरह के टिप्स के थ्रू आप मार्केट का एनालाइज ट्रेंड आप यहाँ पे पता लगा सकते हो। अब कई सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा यहाँ पर आपको एक्सचेंज बेटर होगी ट्रेडिंग के लिए, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ आपके लिए बाइनेंस या फिर कुकॉइन या फिर होबी, खास करके बाइनेंस होबी कुकॉइन इन तीनों एक्सचेंज पर मैं ट्रेड करता हूँ। तो चाहो तो आप इन तीनों पे अकाउंट बना सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन पे सिक्वेल लिंक मिलेगी आपको, आप वहाँ से अपने अकाउंट बना सकते हो। बाइनेंस का फ्यूचर ट्रेडिंग का आपको सिक्वेल लिंक मिलेगा, वहाँ पे अकाउंट बना सकते हो, जहाँ से 10-20 लगभग 10 से 20% तक का आपको जो ट्रेडिंग फी होती है उसमें आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगी। तो मेरे दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आरएसआई के सीक्रेट टिप्स के बारे में आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में और भी कई सारे टिप्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो छोटे छोटे वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा किस हिसाब से आप इसे यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो मेरे दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।